खालिस्तान समर्थक अमृतपाल ने आखिरकार सरेंडर कर ही दिया। बताया जा रहा है कि अमृतपाल ने पंजाब की मोगा पुलिस के सामने सरेंडर किया है। करीब एक महीने से ज्यादा समय से पंजाब समेत 5 राज्यों की पुलिस अमृतपाल को ढूंढ रही थी, लेकिन अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। कई सीसीटीवी फुटेज में अपना रूप बदलता भी दिखा था अमृतपाल, लेकिन अब आखिरकार अमृतपाल ने 36 दिनों के बाद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। अजनाला कांड के बाद से अमृतपाल फरार बताया जा रहा था। अमृतपाल ने देर रात मोगा पुलिस के सामने सरेंडर किया है। अमृतपाल बीते कई दिनों से फरार चल रहा था। उसने सोशल मीडिया के जरिए कई वीडियो भी जारी किए। कहा जा रहा था कि वो वैशाखी के मौके पर सरेंडर करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पंजाब पुलिस ने देश भर में नेपाल बॉर्डर तक ऑपरेशन चलाए। पंजाब पुलिस के कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई, लेकिन पंजाब पुलिस के हत्थे अमृतपाल नहीं चढ़ पाया था। खुद ही अमृतपाल ने अब मोगा पुलिस के सामने सरेंडर किया है। इससे कई सवाल भी उठते हैं। खालिस्तान की मांग करने वाले संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल के खिलाफ 3 केस हैं। इनमें से 2 मामले अमृतसर के अजनाला थाने में है। दरअसल पुलिस ने अमृतपाल के एक करीबी लवप्रीत सिंह तूफान को गिरफ्तार कर लिया था। उससे नाराज होकर अमृतपाल ने 23 फरवरी को समर्थकों के साथ मिलकर हथियारों के साथ अजनाला थाने पर हमला कर दिया था। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन अमृतपाल के समर्थक उसे तोड़कर अंदर घुस गए। इस दौरान 6 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। इस हमले से पुलिस कथित तौर पर दबाव में आ गई थी और उसने लवप्रीत को रिहा करने का ऐलान कर दिया था। इससे पंजाब पुलिस की काफी किरकिरी भी हुई थी। उस समय असामाजिक तत्वों के खिलाफ झुकने के आरोप भी लगने लगे। ऐसे में पुलिस पर लगातार अमृतपाल के खिलाफ एक्शन लेने का दबाव बन रहा था। इसके चलते अमृतपाल और उसके साथियों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस को अमृतपाल के कई साथियों के पास से हथियार भी मिले, लेकिन अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर भागता रहा। अमृतपाल की गिरफ्तारी के साथ पंजाब में एहतियात के तौर पर इंटरनेट और बल्क SMS सेवाएं बंद कर दी गई है। अब आप ये भी जान लीजिए कि अमृतपाल आखिर है कौन। 30 साल का अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे का प्रमुख है। इस संगठन को पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू ने बनाया था। पिछले साल एक सड़क हादसे में सिद्धू की मौत हो गई थी और उसके बाद अमृतपाल संगठन का प्रमुख बना। अमृतपाल को दूसरा जनरल सिंह भिंडरावाला भी कहा जा रहा है। भिंडरावाला ने 1980 के दशक में सिखों के अलग देश खालिस्तान की मांग उठाई थी और पूरे पंजाब में कोहराम मचा दिया था। ठीक उसी तरह अमृतपाल सिंह धर्म की बात करके अलग मुल्क की मांग करता है और लोगों को उकसाने वाले भाषण देता है। आपको बता दें कि 20 अप्रैल को भगोड़े अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर को भी अमृतसर एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। पुलिस उससे पहले भी कई बार पूछताछ कर चुकी थी। हालांकि किरणदीप कौर के ऊपर कोई भी FIR दर्ज नहीं है, वो एक ब्रिटिश नागरिक है। अमृतपाल सिंह और उसके साथियों को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने 18 मार्च को जाल बिछाया था। इस दौरान पुलिस ने उसके कई साथियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अमृतपाल भागने में कामयाब रहा। तब से पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन वह भेष बदल बदल कर लगातार पुलिस को छका रहा था। अब अगर अमृतपाल सिंह सरेंडर भी किया है तो भी पंजाब पुलिस के लिए शर्म से कम की बात नहीं है, क्योंकि 80,000 पंजाब की पुलिस एक भगौड़े को पकड़ तक नहीं सकी थी।